और ये रहा सर आपका क्वेश्चन का आंसर कि कोई कैसे इंप्लीमेंट करे। तो ये आप वेबसाइट पे जाएंगे, ये मैं अभी शेयरिंग स्टॉप करके दूसरी साइट से दिखा भी देता हूँ। हाँ तो दिखाइए। पहले इसको क्विकली मैं इसके बारे में बता दूंगा, फिर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। हाँ तो इसमें विंडो सिलेक्शन का एक ड्रॉप डाउन मिलेगा आपको, जिसमें हमने कुछ विंडोज दे रखे हैं और ये डेटा रोज अपडेट होता है। तो आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी 21 सितंबर को अपडेटेड है बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइसेस। तो मैं एक शेयरिंग स्टॉप करके दूसरे विंडो को शेयर करने वाला हूँ, जस्ट टू शो यू कि ये देखिए ये कैसा दिखने वाला है। तो ये है वो पेज। तो हाँ इसमें आप देखेंगे तो ये तो बैक टेस्ट और ड्रॉ डाउन के नंबर्स जनरली आते हैं, पर आप सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें सिग्नल्स आ रहे हैं। अरे पिछले 10 सिग्नल्स आ रहे हैं आपको। ये डेटा रोज अपडेट होता है, हमने पूरा इसको कोड कर रखा है, ऑटोमेट कर रखा है। फ्री तो फ्री है ना, है सर, ये बिल्कुल फ्री है, पैसा कोई वैसा पैसा बाद में मत, नहीं। नहीं 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 बाद में कोई मत मान पैसा लियो, लेकिन तो मेरे जो नहीं। लर्नर हो बोलेंगे सर आप ये क्या नहीं कर ले रहे। सर, ये हमेशा होस्ट करूंगा, फ्री रखूंगा। और अरे इसलिए ये जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन पे यूआरएल दिखाया है, ये उस पे हमेशा अवेलेबल रहेगा, अरे ये सो कभी मैं सुपर, हटाने नहीं वाला। और अगर कभी हटाया, अगर मेरे को लगा मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं एक एक्सेल शीट लगा दूंगा वहां पे, आप अच्छा डेटा डालेंगे आपको अपडेट मिल जाएगा। चलिए तो भगवान ना करे इसमें कभी नहीं, थैंक यू सो मच। तो इसमें विंडो सिलेक्शन कर सकते हैं आप। तो देखिए आप इसको 14 डे, ये हमने कुछ सिलेक्शन दिए हैं, हम इसको फ्री फॉर्म नहीं रखना चाहते थे क्योंकि आई सर। डोंट वॉन्ट कि लोग कंफ्यूज हो कि क्या हाँ करना है। हाँ तो ये हाँ 7 डेज 1 वीक, 14 डेज 2 वीक्स, 21 22 जनरल नंबर्स हैं यहाँ पे, बराबर और 10 और 22 जनरली थोड़ा लोकल लोग जानना चाहते हैं। तो आप सब बराबर में देखेंगे, तो जैसे लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि 42 डे में क्या दिखा रहा है, और 21 डे में क्या दिखा रहा है, और 63 डे में क्या दिखा रहा है। तो ये सारा आपको इसमें मिल जाएगा, इस वाले में। तो एक बार इसका तो रेलेवेंट को नीचे में चलते हैं, जो जो हमारे हमारे सबके काम का चीज है, एक बार बिल्कुल, इसको वो फॉन्ट बड़ा कर दीजिएगा। ये हाँ मैं नीचे इसको थोड़ा वाला जो जूम कर मेन देता हूँ। टेबल है हमको उसी को देख के काम करना है, तो आप बता दीजिए करना क्या। हाँ तो मैं इसको जूम करके बता देता हूँ। हाँ तो आप देखिए, तो इसमें क्या आ रहा है कि डेट आ रही है, तो 21 तारीख को, 21 तारीख का जब डेट क्लोज हुआ तो वो कह रहा है लॉन्ग निफ्टी। तो अगर हम अपनी स्लाइड पे जाएंगे तो स्लाइड पे हमने कहा था ये नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज रिटर्न्स, कह रहा है कि नॉर्मलाइज रिटर्न निफ्टी की ज्यादा, और ये रिजीम भी दिखा रहा है आपको, हाँ निफ्टी बिलिश रिजीम है। तो बेसिकली आपने कुछ नहीं करना, जब आप 21 तारीख के क्लोज पे देखा तो 22 तारीख को आप निफ्टी अगर लॉन्ग नहीं है तो निफ्टी लॉन्ग कर लें। और अगर अगर ये यूएसडी आने वाला स्विचिंग सिस्टम है तो जब जोन सा सिस्टम बुलिश दिखाए उस दिन वो आपने लॉन्ग करके होल्ड कर लें। तो यानी कि ये 5 सितंबर को आया यूएसडी आना बुलिश, तो अगले दिन ये क्लोजिंग डेट पे सिग्नल आया, तो अगले दिन आप ट्रेड करेंगे इससे, बस यही एक समझने वाली बात है। और ये दिखा रहा है कि किस दिन आया, तो 79.97 पे आया है, अगले दिन ओपन पे दोपहर में जब भी आपने ले लिया ले लिया। ये थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों से चॉपिंग चल रहा है, क्योंकि ये हमेशा होता है जब मार्केट अनडिसाइसिव होती है, पर अगर जैसे कल फेड रेट्स आए और मार्केट में कोई थोड़ा सा भी ट्रेंड आएगा तो इसको पकड़ लेगा और उस पर लैच ऑन हो जाएगा, एंड देन ये जो थोड़ा सा चॉपिनेस है, इट विल गो वेरी वेरी क्लियरली आउट। बट सिंपल करना है, जो आपको बुलिश दिखा रहा है, सबसे ऊपर लाइन जो है सबसे रिसेंट नंबर होगा, और सबसे नीचे लाइन जो है पिछले 10 ट्रेड दिखाएगा सिर्फ ये। तो जो सबसे ऊपर लाइन है, दैट इज व्हाट योर रिजीम इज। तो अभी हम निफ्टी के बुलिश रिजीम में हैं एज ऑफ यस्टरडेज क्लोज, आज का डेटा भी इसमें अपलोड नहीं हुआ है, और उससे पहले हम कब कब निफ्टी के बुलिश रिजीम में थे। आप एक बात नोटिस करेंगे, तो ये स्विचिंग स्ट्रेटेजी थी, तो ये स्विच कर रहा है, ये देखिए यहां से बुलिश यहां गया, फिर बुलिश यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, तो लेफ्ट राइट क्योंकि वो स्विचिंग है। तो आपने या निफ्टी में बुलिश रहना है या यूएसडी आईएनआर में बुलिश रहना, ठीक है सर? दिस सोच शुड रहा बी हूं मैं कि इसमें और क्या स्ट्रेटेजी, मेरा दिमाग एक्चुअली चल रहा है कि नहीं शैतानी दिमाग है ना मेरा, तो मैं सर, वो सोच रहा हूं कि हाँ मैं आपको अभी एक और बात बताने वाला हूं कि इसके ऊपर और इम्प्लीमेंटेशंस लोगों ने कैसे करी है, एंड हाँ द वर्ल्ड इज ओपन, दे हाँ दिस कैन लीड टू अ लॉट ऑफ एनालिसिस एंड लॉट ऑफ सिग्नल्स। खासकर जो इक्विटी पोर्टफोलियोज मेंटेन करते हैं, रिटेल नॉन रिटेल लोग, उन लोगों के लिए भी इसमें इनसाइट्स है। हर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि हम फ्लैट कब जाएं, हम अपना पोर्टफोलियो एग्जिट कब करें। पर सर ये ना थोड़ा मेरे को अभी ना कंफ्यूजिंग सिग्नल दे दिया, ये बुलिश बेरिश आ गया। अगर मैं इसका ड्यूरेशन को डेली की जगह अगर वीकली कर दूं, तो मतलब वीकली क्लोजिंग के हिसाब से अगर मैं करूं, तो इसका सिग्नल थोड़ा सा वो
तो आप सर विंडो साइज चेंज कर लीजिए, अरे 2 मंथ का विंडो हो गया। अब ये थोड़ा जूम पे है तो थोड़ा लोड होने में टाइम लेगा, हो गया। तो ये अब आपको, आप इसके देखिए आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ गया 12 मई के बाद 11 अगस्त से ये रिजीम है। आपके ट्रेड्स देखिए 10 ट्रेड जो है पूरे 8 महीने में 10 ट्रेड आ गए। तो वो चॉपिनेस जो है वो थोड़ी सी विंडो साइज से चेंज हो जाती है। तो वीकली का इफेक्ट जो है, वीकली पे आप हर वीक पे नहीं करेंगे, आप पूछ रहे हैं कि वीकली क्लोजिंग पे ही अगर मेरे को ट्रेड करना है रादर देन डेली। हाँ वो भी कर सकते हैं सर, वो इस पे बिल्ड कर सकते हैं हम, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं तो ऐसे मैं तो हवा में तीर मार रहा हूँ सर, मेरा कोई नहीं, हम तो थिंकर्स है ना, हम तो सोचते हैं ये करने से क्या होगा, बाकी डेटा वाले बताएंगे कि होगा सही कि गलत होगा। हाँ वो डेटा से एनालिसिस करके देखा जा सकता है, वैसे इम्पैक्ट सिमिलर ही आने का, कोई ज्यादा इम्पैक्ट में इतना डिफरेंस नहीं आने वाला।